स्टार्ट कीजिए। गुड मॉर्निंग बच्चों, एक बार फिर से ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। जितने भी बच्चों ने ज्वाइन किया है, सारों बच्चों का मैं स्वागत करता हूं। मैं राय राजेश कुमार, चकाला माध्यमिक हिंदी शाला। उम्मीद करता हूं बच्चों आप सभी स्वस्थ और खुशहाल होंगे। तो जैसा कि आप जानते बच्चों कि हम लोग गणित भाग एक की पढ़ाई कर रहे थे और दिवाली के बाद ये हम लोग का पहला सत्र है, दिवाली के बाद से पहला लेसन है। और आज हम लोग बच्चों देखेंगे कि जो पहला चैप्टर दिया हुआ है, फर्स्ट टॉपिक जो दिया है हमारा, युगपत दो चरांक वाले रेखीय समीकरण। अब जैसा कि आप जानते हैं कि इस साल बहुत सी चीजें इसमें से कम की गई हैं हमारे सिलेबस में से, तो हम लोग पूरे चैप्टर की बात करेंगे कि इस चैप्टर में से क्या क्या चीजें कम की गई हैं इस साल के लिए और क्या चीजें आपको पढ़नी है। तो बच्चों हम लोग पहले देख लेते हैं कि जो पहला चैप्टर है दो चरांक वाले रेखीय समीकरण, इसमें से क्या क्या चीजें कम की गई हैं। इसमें जो रेड पेन से आपको कट किया हुआ दिख रहा है वो सब चीजें इस साल के पेपर में नहीं रहेंगी, इस साल एग्जाम में नहीं आएगा। अब जैसा कि आप लोग 1.1 में देख रहे होंगे बच्चों कि 1.1 में सारे सवाल कट किए हुए, हर जगह देखो आप यहां से लेकर के ये पूरा यहां तक कट किया हुआ है। अगर आप लोगों ने अभी तक टिक नहीं किया होगा कि इसमें से क्या कट किया है या क्या चीज रिड्यूस किया हुआ है, तो आप लोग अपना अपना टेक्स्ट बुक ले लीजिए और पेंसिल से क्रॉस कर दीजिए कि हाँ ये चैप्टर में ये सवाल नहीं है। तो इसमें जैसा कि हम लोग देख रहे हैं प्रश्न संग्रह 1.1 में सवाल नंबर 7वां और 8वां, ये दो सवाल पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में और बाकी 1.1 का पूरा सवाल कैंसिल किया हुआ है। आगे देखते हैं इसमें 1.2 आपके सिलेबस में है, इस साल एग्जाम में यह पूछा जाएगा। 1.2 यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 1.2 जिसमें कि आलेख विधि से सॉल्व करना है और सारणी पूर्ण करना है आलेख बनाने के लिए, तो यह 1.2 पूरा है, यह आपको पढ़ना है। 1.3 में हम लोग देखेंगे, 1.3 में भी निश्चयक के मान ज्ञात करना और क्रैमर नियम से समीकरण को सॉल्व करना, यह भी पूरा है इस सिलेबस में इस साल के, तो यह 1.3 आपको पूरा पढ़ना है। यहाँ पे निश्चयक के मान ज्ञात करना और समीकरण को क्रैमर पद्धति से सॉल्व करना है, तो 1.2 पूरा रहेगा, 1.3 पूरा रहेगा। 1.4 पूरी तरह से वोमिट किया गया है, 1.4 का एक भी सवाल नहीं आएगा, सारे सवाल को आप देखेंगे यहाँ पे कट किया है, तो 1.4 यह आपको नहीं पढ़ना है। आगे देखते हैं हम लोग 1.5 के पूरे सवाल रहेंगे, शाब्दिक प्रश्न है, एप्लीकेशन बेस्ड प्रश्न पूछे जाएंगे इसमें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है 1.5 आपके लिए। 1.5 जैसा कि देख रहे हैं कि ये पूरा रहेगा, इसमें शाब्दिक प्रश्न पूछे जाते हैं जिसमें आपको समीकरण बना करके सॉल्व करना रहता है, और उसी तरह से प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह में यहाँ पे विकल्प वाले प्रश्न आपको नहीं दिखेंगे, बाकी तो जो जैसे हम लोग ने किया हुआ है उसी तरह से सॉल्व किया है। तो हम लोग ने देखा कि इस चैप्टर में हमको 1.1 में सिर्फ दो सवाल पढ़ने हैं, सवाल नंबर 7वां और 8वां, और 1.2 में पूरा चैप्टर रहेगा, एक भी सवाल उसमें से कम नहीं है। 1.1 में 7वां और 8वां, 1.2 पूरा पढ़ना है, 1.3 पूरा पढ़ना है आपको, और 1.4 एक भी सवाल उसमें से नहीं आएगा, और 1.5 पूरा पढ़ना है आपको। ये तो आपको यह जानकारी दी गई कि इस चैप्टर में हमको क्या क्या चीजें पढ़नी है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया बच्चों कि यह दो चरांक वाला रेखीय समीकरण है, और इसे दो चरांक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर दो चरों का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि सारणी में आप देख रहे होंगे
कि यहाँ पे 4m प्लस 3n बराबर 12 दिया हुआ है। तो यह एक दो चरांक वाला रेखीय समीकरण है। क्यों? क्योंकि इसमें दो चर है m और n और इनका घात कितना है? एक। तो यह दो चरांक वाले रेखीय समीकरण इसे कहते हैं। उसी तरह से हम लोग दूसरा देखेंगे, यहाँ पे दूसरा जो दिया हुआ है 3x स्क्वायर माइनस 7y बराबर 13। अब यह क्या दो चरांक वाला रेखीय समीकरण है क्या? दो चरांक तो दिया है x और y, लेकिन हम लोग देखते हैं कि x का जो घात दिया है वो दिया है दो, और दो चरांक का जब रेखीय समीकरण होता है तो उसका घात क्या होना चाहिए? एक। इसलिए यह दो चरांक वाला रेखीय समीकरण नहीं है, तो इसको हम लोग कट कर देंगे कि यह हमारा रेखीय समीकरण नहीं है। इसी प्रकार से आगे उदाहरण दिया है, तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि दो चरांक वाले रेखीय समीकरण में दो चरों का प्रयोग किया जाता है और उसका घात जो महत्तम घात होता है वह एक होना चाहिए, एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए। आते बच्चों हम लोग अपने टॉपिक पे, तो हम लोग इसमें देख रहे थे कि दो चरांक वाले रेखीय समीकरण में 1.1 का यह सातवां सवाल आपको दिया हुआ है। सातवां सवाल आपके एग्जाम में आएगा। सातवां सवाल देखिए बच्चों, आपको लिखा हुआ है 99x प्लस 101y इज इक्वल टू 499, 101x प्लस 99y इज इक्वल टू 501। यह सवाल आपको दिया हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ। अब इस सवाल को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें आप देखेंगे कि जो x का गुणांक है, जैसे 99x दिया है, और यहाँ पे दूसरे वाले समीकरण में y का गुणांक है 99y, उसी तरह से y का जो गुणांक पहले समीकरण में है 101 और दूसरे समीकरण में x का जो गुणांक है 101, अर्थात यहाँ पे अंकों की अदला बदली है। तो जब ऐसे सवाल आते हैं तो ऐसे सवाल को सॉल्व करने के लिए हम लोग एक बार इसको जोड़ेंगे और एक बार इसको घटाएंगे। इस तरह के सवाल हम लोग ने नाइन्थ क्लास में भी समीकरण में सॉल्व किया था, सेम वही पैटर्न से हमको यहाँ भी करना है, कुछ अलग नहीं दिया हुआ है। तो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए सीधा सा जो समीकरण दिया है उसको एक बार जोड़ना है और एक बार घटाना है। तो यहाँ पे देखो बच्चों, हम लोग ने समीकरण यहाँ पे यह एक नंबर समीकरण दे दिया और इसको दे दिया दो नंबर समीकरण, और पहले हम लोग ने एक समीकरण एक और समीकरण दो को जोड़ दिया। तो जोड़ने पर हम लोग देखते हैं कि हमको क्या प्राप्त होता है। तो यहाँ पे हमने देख दिया कि 99x प्लस 101y इज इक्वल टू 499, ये पहला समीकरण, और 101x प्लस 99y बराबर 501, यह दूसरा समीकरण। दोनों को जोड़ेंगे तो 101 और 99, तो ये हो गया 200। उसी तरह से 101 और 99 यहाँ भी जोड़ेंगे तो ये भी हो जाएगा 200। तो हमारा जो ई प्राप्त होता है 200x प्लस 200y बराबर 1000। अब इसको हम लोग ने संक्षिप्त रूप दे दिया, 200 से सब में भाग दे दिया। तो जब इसमें हम लोग 200 से भाग देंगे तो यह क्या हो जाएगा? कट हो जाएगा, यहाँ भी कट हो जाएगा, और इसमें भाग देंगे तो क्या आएगा? 5। तो हमको जो समीकरण मिलता है x प्लस वाई बराबर 5, इसको हम लोग नाम दे देंगे समीकरण नंबर 3। तो एक बार हम लोग ने जोड़ दिया और वहां से जो प्राप्त हुआ उसे हम लोग ने समीकरण नंबर 3 दे दिया। अब उसी तरह से समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम लोग क्या करेंगे? घटा देंगे। तो यहाँ पे देखो, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाया है यहाँ पे। तो हम लोग ने जो समीकरण था 99x प्लस 101y इज इक्वल टू 499, 101x प्लस 99y इज इक्वल टू 501, ये दूसरा समीकरण। अब इसमें से हम लोग घटा देंगे, तो आप घटाते हैं तो यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो चिन्ह होते हैं वह बदल जाते हैं। जैसे यहाँ पे 101x यह प्लस के रूप में था, तो यहाँ पे जब घटाना करेंगे तो ये क्या हो गया? हमारे यहाँ माइनस हो गया। उसी तरह से प्लस 99y था, तो घटाना है तो नीचे का चिन्ह क्या हो जाएगा? ये माइनस हो जाएगा। और यहाँ पे भी 501 प्लस में था तो इसको भी हम लोग क्या कर दिए? माइनस कर दिए। जब भी आपको यह ध्यान में रखना है कि जब भी आप किसी समीकरण से दूसरे को घटाएंगे तो नीचे के चिन्ह को आपको चेंज कर देना है। तो यहाँ पे हम लोग 499 माइनस 501 था, तो 501 में से 499 को हम लोग घटा देंगे तो दो बचेगा,
और चिन्ह लगाएंगे माइनस का, क्योंकि 501 ज्यादा है इसलिए माइनस दो। यहाँ पे प्लस 101 वाई है और यहाँ पे माइनस 99 वाई है, तो 101 में से 99 को घटा दिया तो 2y बच गया यहाँ पे, और उसी तरह से यहाँ पे भी 101 में से 99 को घटा देंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, लेकिन चिन्ह यहाँ पे माइनस का लगाएंगे क्योंकि 101 के यहाँ पे चिन्ह है माइनस का। तो हम लोग को यह समीकरण जो प्राप्त हो रहा है माइनस 2x प्लस 2y बराबर माइनस 2। अब इसमें हर जगह हम लोग देख रहे हैं कि दो दो गुणांक स्वरूप में है, तो दो से हम लोग क्या करेंगे, इसको भाग दे देंगे, तो दो से भाग दे देंगे तो यह क्या हो जाएगा, दो यहाँ का कैंसिल हो जाएगा, ए भी दो कैंसिल हो जाएगा, ए भी दो एक कम दो आएगा, तो यहाँ पे हमारा जो समीकरण प्राप्त होगा माइनस एक्स प्लस वाई बराबर माइनस वन, इसको हम लोग नाम दे देंगे समीकरण नंबर 4। तो एक बार हमने जोड़ा तो हमको समीकरण नंबर 1-3 प्राप्त हुआ, और दूसरी बार हम लोग ने इसको क्या किया, घटाया, तो हमको समीकरण नंबर 4 प्राप्त हुआ। अब ये जो 3 और 4 समीकरण प्राप्त होता है इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे और हमारा उत्तर प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए समीकरण नंबर 4 हमको मिला है माइनस एक्स प्लस वाई बराबर माइनस वन, और समीकरण नंबर 3 जो था वह था एक्स प्लस वाई बराबर 5। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि x प्लस वाई बराबर 5 है और माइनस x प्लस वाई बराबर माइनस 1 है, तो यहाँ पे जो विपरीत चिन्ह है, जैसे यहाँ पे देखो x प्लस वाई है तो x प्लस है, लेकिन यहाँ पे x क्या है, माइनस है, तो विपरीत चिन्ह हमको मिल रहा है तो हम लोग उसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो हमने समीकरण 3 और 4 को जोड़ दिया है, तो समीकरण 3 और 4 को जोड़ने पर जो हमको प्राप्त होता है, यहाँ पे देखिए x प्लस वाई बराबर 5 ये समीकरण 3 था, माइनस x प्लस वाई बराबर माइनस 1 ये समीकरण हमारा 4 था। अब यहां से क्या हो जाएगा, x माइनस x ये कैंसिल हो जाएगा, y 2y और 5 माइनस 1 है तो 5 में से 1 घटा देंगे, यहाँ पे बच गया 4, तो हमको प्राप्त होता है 2y बराबर 4। इसलिए y बराबर, अब यहाँ y के बगल में 2 है तो इधर आकर के क्या हो जाएगा, यहाँ गुणे के स्वरूप में तो यहाँ बटे हो जाएगा 4/2, इसको हम लोग कट कर देंगे 2 × 4, तो यहाँ पे आ गया हमारा y का मान मिल गया 2। अब जब y का मान 2 मिल गया तो हम लोग समीकरण 3 में 4 में या किसी भी समीकरण में रख करके x का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो हम लोग y का मान समीकरण 3 में रख देते हैं, यहाँ पे हमारा समीकरण 3 क्या है, x प्लस वाई बराबर 5, तो y का मान हम लोग ने समीकरण 3 में रखा, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि x प्लस वाई बराबर 5 ये समीकरण नंबर 3 है यहाँ पे। अब y के जगह पे हम लोग ने यहाँ पे 2 रख दिया क्योंकि y का मान 2 मिला था, इसलिए x बराबर, अब 2 जब इधर लेके आएंगे हम लोग बराबर के यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, माइनस, तो 5 - 2 बराबर 3, x का मान हमको मिल गया 3। तो इस समीकरण का जो हल प्राप्त होता है, पहले हम लोग x लिखते हैं फिर हम लोग y लिखते हैं, तो x का मान मिला 3 और y का मान मिला 2, तो यह हो गया हमारे इस समीकरण का हल। तो बच्चों जब भी इस तरह का सवाल आए कि आपको दिखे कि इसमें संख्या का सिर्फ अदला बदली किया है, जैसे 99x प्लस 101y बराबर 499, 101x प्लस 99y बराबर 501, तो आपको यह सोचना है कि इस सवाल में एक बार इसको जोड़ना है और एक बार घटाना है। जोड़ने पर जो समीकरण प्राप्त होगा और घटाने के पश्चात जो समीकरण प्राप्त होगा, उन दोनों को सॉल्व करके हम लोग को इसका हल निकालना है। अब चूंकि इसमें 2 ही सवाल दिया, 1.1 में 2 ही सवाल दिया है, तो आपको ये करना बहुत बेहद ही आसान है, पहचानना आसान है कि इस तरह का सवाल आएगा तो आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। इसमें आपको देखो कि 8वां सवाल भी ऐसे ही दिया हुआ है, 8वां सवाल अगर आपने टेक्स्ट बुक में देखेंगे तो 49x माइनस 57y इज इक्वल टू 172, 57x माइनस 49y बराबर 252। तो यहाँ भी हम लोग देख रहे हैं 49, 57, 57, 49, मतलब अंकों की अदला बदली है। जब अंकों की अदला बदली रहे तो आपको कुछ सोचना नहीं है, सिर्फ एक बार क्या करना है, जोड़ना है, और एक बार क्या करना है, घटाना। और जोड़ने से जो समीकरण प्राप्त होता है और घटाने से जो समीकरण प्राप्त होता है उसको सॉल्व करके अपना आंसर प्राप्त करना है या समीकरण का हल मिल जाएगा। तो ये सवाल 8वां आप करेंगे, 7वां सवाल मैंने आपको बताया।
अब 1.1 के बाद 1.2 और 1.3, कल आप लोग को पढ़ाया गया था 1.2 और 1.3, जहां पे कि निश्चयक के मान ज्ञात करना, क्रैमर नियम और आलेख पद्धति से कैसे समीकरण को सॉल्व करते हैं, कल आपको बताया गया था, तो वह पार्ट मैं नहीं ले रहा हूं। तो हम लोग का 1.1 में यह सातवां सवाल हो गया, और 1.5 जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, उसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि ये युगपत समीकरण का उपयोजन होता है, अर्थात ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, और यह क्वेश्चन किस रूप में पूछे जाते हैं। यह क्वेश्चन जो है यह आयु पर आधारित, संख्याओं पर आधारित, भिन्नात्मक प्रश्न, आर्थिक व्यवहार पर आधारित, भूमिति आकृति पर आधारित तथा समय गति दूरी और समय पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। आप लोगों ने सवाल देखा रहेगा कि पुत्र की वर्तमान आयु इतनी है, पिता की वर्तमान आयु इतनी है, दोनों का योगफल ए है, तो यह आयु पर आधारित है। या संख्याओं पर आधारित प्रश्न दिखा रहेगा कि कोई बड़ी संख्या का अंतर इतना है, छोटी संख्या और बड़ी संख्या का दुगना करने पर योगफल इतना आता है, तो यह संख्याओं पर आधारित प्रश्न, ऐसे प्रश्न आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो इस तरह के प्रश्न को सबसे पहले जो करना क्या है हमको कि समीकरण बनाना है। आप सवाल पढ़ करके जो शर्त दिया रहेगा उस शर्त के अनुसार समीकरण को आपको बनाना है। दो समीकरण बना करके फिर जैसे हम लोग ने ऊपर समीकरण सॉल्व किया, जिस तरह से सॉल्व करते हैं उसी तरह से सॉल्व करना है, बाकी इसमें और कोई फॉर्मूला या कुछ भी नहीं है। तो इसमें छह तरह के सवाल पूछे जाएंगे आपको, तो हम लोग कुछ सवालों को जरा चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि 1.5 में आपको पहला सवाल जो दिया हुआ है, आप यहाँ पे देखेंगे कि पहला सवाल दिया है कि दो संख्याओं का अंतर 3 है, यदि बड़ी संख्या के तिगुने और छोटी संख्या के दुगने का योगफल 19 हो तो वह संख्या ज्ञात करो। अब बच्चों ये सवाल सिर्फ अगर आपने समीकरण बना लिया तो इसको सॉल्व करना एकदम आसान है, बहुत ही आसान है। चलते देखते हैं। अब इसमें देखिए दिया है दो संख्या, तो मान लेंगे अब इसमें एक बड़ी संख्या है एक छोटी संख्या है, तो यहाँ पे देखिए हम लोग मान लेंगे कि माना बड़ी संख्या x और छोटी संख्या y है। तो जो पहली शर्त दिया है कि दोनों संख्याओं का अंतर कितना है 3, तो जब अंतर पूछे तो ऋण का चिन्ह लगाते हैं माइनस, और जब योगफल पूछे तो प्लस करते हैं। तो यहाँ पे दो संख्याओं का अंतर पूछा है, अब हम लोग ने माना है कि बड़ी संख्या x है और छोटी संख्या y है, तो यहाँ पे पहली शर्त के अनुसार हम लोग ने दिखा दिया कि x माइनस y बराबर 3, और इसको हम लोग ने समीकरण नंबर 1 का नाम दे दिया। तो ये पहला हम लोग का समीकरण एक समीकरण बन गया। अब इसी तरह से दूसरा समीकरण बनाना है और सवाल को देख के ही बनाना है। अब उस सवाल में क्या दिया है कि यदि बड़ी संख्या के 3 गुने और छोटी संख्या के दुगने का योगफल, तो बड़ी संख्या का हम लोग 3 गुना करेंगे, तो बड़ी संख्या क्या है x, तो यहाँ पे देखिए हम लोग ने बड़ी संख्या का तिगुना किया, तो बड़ी संख्या का जब तिगुना करेंगे तो हो जाएगा 3x तथा छोटी संख्या का दुगना, तो छोटी संख्या का दुगना किया तो 2y। अब बोलता है कि बड़ी संख्या का तिगुना और छोटी संख्या का दुगना दोनों का योगफल कितना है 19, तो दूसरी शर्त के आधार पे यहाँ पे हम लोग ने यह समीकरण बना लिया 3x प्लस 2y बराबर 19। तो हमारे दोनों समीकरण मिल गए। पहला समीकरण यहाँ पे प्राप्त हुआ है x माइनस वाई बराबर 3, मतलब दो संख्याओं का अंतर 3 है, तो x माइनस वाई बराबर 3 एक समीकरण हो गया, और दूसरे शर्त में दिया था कि बड़ी संख्या का त्रिगुना 3x और छोटी संख्या का दुगुना 2y, उनका योगफल तो प्लस 3x प्लस 2y बराबर 19। तो ये दो समीकरण हमको प्राप्त हो गए। जब ये दो समीकरण प्राप्त हो गए तो बस इनको हमको क्या करना है, सॉल्व करना है, हल करना है। तो हम लोग देखते हैं कि पहले समीकरण में यहाँ पे y के जगह पे ऋण का चिन्ह है और यहाँ पे प्लस 2y दिया है, प्लस का चिन्ह है। तो अगर हम लोग पहले वाले समीकरण में 2 से गुणा कर ले
तो वाई वाई क्या हो जाएगा, विपरीत चिन्ह से कैंसल हो जाएंगे, तो सवाल को सॉल्व करने में एकदम आसानी रहेगी। तो इसलिए हम लोग ने यहाँ पे वाई का विलोपन करने के लिए समीकरण एक में दो से गुणा कर दिया। तो समीकरण एक में दो का गुणा करेंगे तो 2x - 2y = 6। अब इसको हम लोग नाम दे देंगे समीकरण नंबर तीन। अब समीकरण तीन और समीकरण दो, इसको हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो समीकरण दो और समीकरण तीन को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो यहाँ पे देखते हैं कि समीकरण दो और तीन को जोड़ने पे हमको क्या प्राप्त होता है। तो समीकरण दो और तीन को यहाँ पे हम लोग ने जोड़ दिया तो 1906 हो गया यहाँ पे 25। अब ए देख रहे हैं कि प्लस टू आई है और यहाँ पे माइनस टू आई है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। और 3x + 2x कितना हो गया, 5x, 5x = 25। इसलिए x बराबर यहाँ पे 25/5, यहाँ 5 गुणे के रूप में है तो यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, बटे हो जाएगा। तो हम लोग भाग दे देंगे तो 5 × 25। तो यहाँ पे हमको x का मान प्राप्त हुआ 5। अब जब हमको x का कि यहां पे समीकरण एक में x का मान 5 रख देंगे, तो समीकरण जो एक है वह है x - y = 3। यहां पे आप देखेंगे समीकरण जो एक है वह है x - y = 3। तो x का मान 5 है तो यहां पे x का मान हम लोगों ने 5 रख दिया, -y = 3। -y = अब 5 को जब बराबर किधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो यहाँ पे हम लोग कर दिया 3 - 5, 3 - 5 माइनस ज्यादा है तो 5 में से 3 घटा दिए 2, और माइनस ज्यादा है तो यहाँ पे ऋण का 2। तो -y = -2, ये माइनस माइनस यहाँ से कैंसिल कर दिए तो y बराबर आ गया 2। तो हमारे इस समीकरण का जो हल प्राप्त होता है वह संख्या जो मिलती है वह संख्या है 5 और 2, 5 और 2। तो ये सवाल देखिए हम लोग ने क्या किया, इस सवाल के अंदर यह सवाल दिया हुआ था कि यह संख्यात्मक प्रश्न था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 6 तरह के सवाल इसमें पूछे जाएंगे, तो यह हमारा जो था प्रश्न यह संख्यात्मक प्रश्न था। और इस सवाल में दिया था दो संख्या थी, एक संख्या बड़ी है एक संख्या छोटी है। तो पहला जो शर्त दिया था वह दिया था दो संख्याओं का अंतर 3 था, तो हमने बड़ी संख्या माना है एक्स, छोटी संख्या वाई, तो x - y = 3। उसके बाद दूसरे समीकरण एक प्राप्त हो गया। फिर हम लोग ने दूसरा समीकरण बनाया जो कंडीशन दिया हुआ था कि बड़ी संख्या के 3 गुने और छोटी संख्या के 2 गुने का योगफल 19 है। तो उसका हम लोग ने यहाँ पे दूसरी शर्त से समीकरण बना दिया कि 3x + 2y = 19। अब 1 और 2 को हम लोग ने क्या किया, सॉल्व कर लिया और हमारा आंसर आसानी से प्राप्त हो गया। उम्मीद करता हूँ आप सभी बच्चों को ये समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो यह तो हमारा एक संख्यात्मक प्रश्न हो गया। अब आयु वाले प्रश्न, ये देखिए ये अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में आयु वाले प्रश्न, और बहुत ही आसान होता है। तो इसमें 1.5 का एक तीसरा सवाल है जहां पे भी आपको सवाल दिया है कि पिता की वर्तमान आयु में पुत्र की वर्तमान आयु का दुगना जोड़ने पर। आप जब भी सवाल रीड करेंगे सवाल को बहुत ही अच्छे से ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। देखिए क्या दिया है, पिता की वर्तमान आयु में पुत्र की वर्तमान आयु का दुगुना जोड़ने पर योगफल 70 प्राप्त होता है, और पुत्र की वर्तमान आयु में पिता की वर्तमान आयु का दुगुना जोड़ने पर योगफल 95 प्राप्त होता है। तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करो। तो बच्चों यहाँ पे आपको दो कंडीशन दिख रही हैं, दो शर्त दिख रहे हैं कि यदि हम लोग पिता की वर्तमान आयु में पुत्र की वर्तमान आयु का दुगुना जोड़ेंगे तो 70 मिलेगा, और यदि पुत्र की वर्तमान आयु में पिता की आयु का दुगना जोड़ेंगे तो 95 प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग मान लेंगे कि माना पिता की वर्तमान आयु वो है x वर्ष ले लेते हैं, और पुत्र की वर्तमान आयु मान लेते हैं कि y वर्ष है। अब पहली शर्त क्या दिया है कि पिता की वर्तमान आयु में, तो पिता की वर्तमान आयु क्या है x, उसमें पुत्र की वर्तमान आयु का दुगना,
तो पुत्र की वर्तमान आयु देखिए यहाँ पे 2y है, इसका दुगना क्या y है, इसका दुगना क्या हो जाएगा 2y, इन दोनों को जोड़ने पर कितना आता है 70 आता है। तो ये समीकरण हमारा एक प्राप्त हो गया, एक समीकरण बन गया एकदम आसानी से। ऐसी ही दूसरा समीकरण भी बना लेंगे और देखते हैं यहाँ पे कि हम लोग का पहला समीकरण प्राप्त हुआ x प्लस 2y बराबर 70। अब उसी तरह से दूसरी शर्त के आधार पर यहाँ पे दिया है कि पुत्र की वर्तमान आयु में पिता की वर्तमान आयु का दुगना, तो पुत्र की वर्तमान आयु कितनी हमारी y और पिता की वर्तमान आयु x थी, उसका दुगना हो गया 2x। तो पुत्र की वर्तमान आयु में पिता की वर्तमान आयु का दुगना जोड़ने पर जो योगफल प्राप्त होता है वो होता है 95। अब इसको हम लोग सही रूप में लिख लेंगे तो 2x प्लस y बराबर 95, ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1 ये प्राप्त हुआ है, यहाँ पे समीकरण नंबर ये 1 है और ये समीकरण नंबर हमारा है 2। अब इन दोनों को हम लोग सॉल्व कर लेंगे, हमारे समीकरण का हल आ जाएगा या ये सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं कि पहला जो समीकरण है x प्लस 2y बराबर 70 और दूसरा जो है 2x प्लस y बराबर 95। तो अगर बच्चों हम लोग पहले वाले समीकरण में 2 से गुणा कर देंगे तो यहाँ 2x हो जाएगा, यहाँ पे 2x हो जाएगा और यहाँ पे 2x है, तो x का विलोपन हो जाएगा। इसलिए हम लोग ने क्या किया, यहाँ पे x का विलोपन करने के लिए 2 का गुणा कर दिया, समीकरण 1 में 2 से गुणा कर दिया। तो हम लोग ने 2 का गुणा करेंगे तो 2x प्लस 4y बराबर 140, 70 दूना 140, ये समीकरण नंबर हम इसको नाम दे देंगे 3। अब समीकरण 2 में से समीकरण 3 को क्या करेंगे, घटा देंगे। इसमें से जब हम लोग घटाएंगे तो समीकरण 2 हमारा जो प्राप्त हुआ है वह है 2x प्लस y बराबर 95। तो यहाँ पे हम लोग ने लिख दिया समीकरण 2 2x प्लस y बराबर 95। और जो समीकरण 3 है, समीकरण 3 को हम लोग ने लिख दिया है यहाँ पे 2x प्लस 4y बराबर 140, ये समीकरण नंबर 3 है। अब जबकि हम यहाँ पे घटा रहे हैं तो जो नीचे के चिन्ह होते हैं वो हमेशा चेंज हो जाते हैं, तो यहाँ पे 2x जो था वो प्लस था तो यहाँ पे क्या हो गया, ये माइनस हो गया। प्लस 4y था तो ये माइनस 4y हो गया और प्लस 140 था तो ये माइनस 140 हो गया। अब 140 में से 95 घटाएंगे तो आएगा हमारा 45, लेकिन चिन्ह यहाँ पे जो रहेगा वो माइनस का रहेगा क्योंकि माइनस यहाँ पे ज्यादा है 140 से, माइनस 140 से। और यहाँ पे माइनस 4y में से y को घटा देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 3y। अब माइनस माइनस हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ से ये माइनस यहाँ से कैंसिल हो गया, ये माइनस यहाँ से कैंसिल हो गया, तो 3y बराबर क्या बचेगा 45। तो 3y बराबर 45, इसलिए y का मान हमारा कितना प्राप्त हो गया, यहाँ पे 15 आ गया। अब समीकरण 1 में y का मान रख देंगे तो समीकरण 1 जो हम लोग का प्राप्त है वह समीकरण 1 ये है कि x प्लस 2y बराबर 70, यह समीकरण नंबर 1 है। अब हमको y का मान मालूम पड़ा है कि y का मान कितना है 15, तो हम लोग यहाँ पे y का मान 15 रख देंगे। तो y का मान जब यहाँ 15 रखेंगे तो 15 दुना हो गया 30, तो x प्लस 30 बराबर 70। अब 30 को जब बराबर के यहाँ ले जाएंगे, पक्षांतर करेंगे, तो वह प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, तो x बराबर 70 माइनस 30 बराबर आ गया यहाँ पे हमारा आंसर 40। तो हम लोग देखते हैं कि x का मान यहाँ 40 आया और y का मान आया 15। तो हम लोग ने क्या माना था कि x किसकी आयु है, पिता की आयु है और पुत्र की आयु क्या है y। तो यहाँ पे हमारा जो उत्तर प्राप्त होता है कि पिता की वर्तमान आयु 40 वर्ष है और पुत्र की वर्तमान आयु जो है वह 15 वर्ष है। आपका आंसर सही है या गलत आप इस तरह से भी पता कर सकते हैं, जैसे कि पुत्र की वर्तमान आयु 15 वर्ष है तो पहले कंडीशन में दिया था कि पुत्र की वर्तमान आयु का दुगना जोड़ने पर दोनों का योगफल कितना प्राप्त होता है 70। तो पुत्र की आयु 15 उसका दुगना करेंगे तो 30 और पिता की आयु 40 तो हो गया 70। और दूसरे कंडीशन में दिया था कि पुत्र की वर्तमान आयु में, तो पुत्र की वर्तमान आयु 15, पिता की
वर्तमान आयु का दुगुना, तो पिता की वर्तमान आयु कितनी है 40, 40 का दुगुना कितना हो गया 80, 80 में अगर 15 जोड़ देंगे तो 95, तो हमारे दोनों शर्तों की पुष्टि करता है अर्थात हमारा जो आंसर है वह सही है। तो यह तो आयु संबंधित प्रश्न हो गया कि इस तरह से जो प्रश्न दिया रहेगा आपको समीकरण बनाना रहेगा और समीकरण बनाने के पश्चात ही उस सवाल को सॉल्व करना रहेगा। आगे देखते बच्चों एक और सवाल है जो कि हमारा भिन्न के ऊपर आधारित सवाल है। हम लोग ने संख्यात्मक प्रश्न देखा, आयु के ऊपर आधारित प्रश्न देखा, अब एक हम लोग प्रश्न देख लेते हैं कि भिन्न के आधार पर कैसे प्रश्न दिया रहता है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि सवाल नंबर 1.5 सवाल नंबर चौथा है जो कि भिन्नात्मक प्रश्न दिया हुआ है और इसमें दिया हुआ जो कि किसी भिन्न का हर उसके अंश के दुगने से चार अधिक है। आप जैसे जैसे रीड करेंगे वैसे वैसे समीकरण अपने दिमाग में तैयार करते जाइए कि अब इसमें दिया हुआ है कि किसी भिन्न का जो हर है उसके अंश के दुगने से चार अधिक है। दूसरा कंडीशन दिया है कि अंश और हर दोनों में से 6 घटाने पर जो हर है वह अंश का 12 गुना होता है, तो वह भिन्न ज्ञात करो। अब इसमें आपको जो दिया हुआ है दो कंडीशन दी है, दोनों कंडीशन को आपको सही रूप में समीकरण में रूपांतरित करना है। तो देखते हैं कि कैसे इस सवाल को हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग मान लेंगे कि उस भिन्न का जो अंश है वह x है और जो हर है वह y है। तो भिन्न का अंश हम लोग ने x लिया और हर ले लिया हम लोग ने y। तो जो पहली शर्त है, पहली शर्त क्या दिया हुआ है कि जो हर है वह अंश के दुगने से चार अधिक है। तो अंश 2x था, उसका दुगना 2x और उससे चार अधिक मतलब +4। तो ये जो पहला कंडीशन हम लोग को मिलता है कि y हर बराबर है दुगने से चार अधिक, अंश के दुगने से चार अधिक, y बराबर 2x प्लस 4। अब इसको हम लोग पक्षांतर कर लेंगे, x को बराबर के साइड लाएंगे तो यहाँ प्लस 2x था तो यहाँ पे हो गया -2x और y वहीं पे है तो +y बराबर 4। ये हम लोग का समीकरण एक प्राप्त हो गया, पहले कंडीशन का समीकरण जो प्राप्त हुआ। अब दूसरे जो शर्त दी हुई है, दूसरी शर्त में क्या दिया हुआ है कि 6 घटाना है हर में से भी और अंश में से भी। तो यहाँ पे x यह अंश है और यहाँ पे हर कितना है y। अब दोनों में से 6 घटाना है तो x माइनस 6 और y माइनस 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो हम लोग ने क्या किया, दोनों में से 6 घटा दिया, अंश तथा हर दोनों में से 6 घटाने पर तो अंश क्या मिलेगा x माइनस 6 और हर क्या प्राप्त होगा y माइनस 6। और दूसरी कंडीशन क्या दिया है, यह जो हर प्राप्त होता है वह अंश का 12 गुना मतलब 12 का गुणा कर देंगे, x माइनस 6 हमारा अंश है उसका 12 गुना। तो जो हर प्राप्त होता है वह अंश का 12 गुना, तो y माइनस 6 बराबर 12 ब्रैकेट में x माइनस 6। अब इस ब्रैकेट को हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो हम लोग देखते हैं कि y माइनस 6 बराबर 12 का गुणा x में करेंगे 12x और 6 में करेंगे तो -72। 12x को हम लोग बराबर के इस तरह लाएंगे पक्षांतर करेंगे तो +12 है तो यहाँ पे हो जाएगा -12x और y वहीं पे है तो +y और -72 यहाँ पे -6 था तो इधर पे आके हो गया +6 अर्थात हम लोग ने चर को अलग कर दिया और अंक को अलग कर दिया। तो 72 में से अगर हम लोग 6 घटाएंगे यहाँ पे तो हम लोग को जो प्राप्त होगा -12x प्लस वाई बराबर -66। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। तो हम लोग को ये दो समीकरण प्राप्त हुए। पहला समीकरण क्या प्राप्त हुआ था यहाँ पे देख लेते हैं कि पहला समीकरण था -2x प्लस वाई बराबर 4 और ये दूसरा समीकरण जो प्राप्त हुआ है -12x प्लस वाई बराबर -66। अब यहाँ प्लस वाई है और पहले में भी समीकरण में भी प्लस वाई था तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे
समीकरण को घटा देंगे, क्योंकि वाई वाई सेम है और चिन्ह भी सेम है, तो घटाएंगे तो चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। इसलिए वाई का विलोपन करने के लिए समीकरण एक में से समीकरण दो को हम लोग क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो यहाँ पे देखो बच्चों, हम लोग ने क्या किया है, समीकरण एक में से समीकरण दो को घटा दिया है। पहला समीकरण हम लोग ने लिखा माइनस टू एक्स प्लस वाई बराबर फोर, ये पहला समीकरण, और ये हमारा जो था ये हमारा है दूसरा समीकरण यहाँ पे कि माइनस ट्वेल्व एक्स प्लस वाई बराबर माइनस 66। अब चूंकि यहाँ पे घटाना है तो नीचे के चिन्ह क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। तो यहाँ माइनस ट्वेल्व एक्स था तो यहाँ पे क्या कर दिया हम लोग ने, प्लस 12। अब प्लस वाई था तो यहाँ कर दिया माइनस वाई, और माइनस 66 था तो यहाँ पे प्लस 66 हो गया। तो जब अभी प्लस 66 और ये प्लस 4 है तो इन दोनों को हम लोग योगफल करेंगे, जुड़ जाएगा, तो 66 और 4 हो गया ये हमारा 70। अब यहाँ पे माइनस वाई और प्लस वाई है तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, कट जाएगा। अब ये प्लस 12x है, यहाँ पे प्लस साइन है तो ये प्लस 12x है, 12x में से 2x को क्या करना है, घटाना है, तो 12 में से 2 चला गया 10x। इसलिए हमको जो प्राप्त हुआ वो 10x बराबर 70। इसलिए x बराबर क्या करेंगे, 70/10। तो यहाँ पे हम लोग ने लिख लिया 10x बराबर 70, इसलिए x बराबर 70/10। तो इसको जब हम लोग कट करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 7। तो यहाँ पे हमारा x का मान मिल गया। अब इस x के मान को, x बराबर 7 है, इसको समीकरण एक में या दो में कहीं पे भी रख करके हम लोग मान ज्ञात कर सकते हैं। तो हम लोग समीकरण एक में इसका मान रख देते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि समीकरण एक जो हमारा था वह है माइनस टू एक्स प्लस वाई बराबर 4, और x का मान यहाँ पे कितना प्राप्त हुआ है, 7। तो इस x के जगह पे हम उसका मान रख देंगे 7। तो माइनस टू ब्रैकेट में 7 प्लस वाई बराबर 4। अब 7 का 2 में गुणा कर देंगे तो 7 दुना कितना हो गया, माइनस 14 प्लस वाई बराबर 4। अब माइनस 14 को जब बराबर के इधर लाएंगे तो यह चिन्ह हो जाएगा माइनस का प्लस, तो वाई बराबर 4 प्लस 14, तो y का मान आ गया 18। तो हमारा x का भी मान मिल गया, x का मान मिला कितना 7, और y का मान कितना मिला 18। तो अंश हम लोग ने माना था कि x या अंश है, तो x बराबर आ गया 7 और y बराबर आ गया 18। तो वह जो भिन्न होगा वह होगा 7/18। एक बार फिर से बच्चों हम लोग देख लेते हैं इस सवाल को कि इस सवाल में दिया क्या था। तो इस सवाल में देखिए आपको दिया था कि किसी भिन्न का हर उसके अंश के दोगुने से 4 अधिक है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले मान लेंगे कि माना अंश x है, हर y है। तो जो पहली कंडीशन दिया है कि जिसका हर है अंश के दोगुने से 4 अधिक है, तो हम लोग ने यहाँ पे एक समीकरण बना लिया कि y जो कि हर है बराबर दुगुना अंश का x, उसका अंश है तो उसका दुगुना 2x से 4 अधिक है, मतलब प्लस 4। और इसको सही रूप में करके हम लोगों ने लिख दिया माइनस 2x प्लस वाई बराबर 4। तो यह समीकरण नंबर हमको एक मिल गया, यहाँ पे एक समीकरण प्राप्त हो गया। और उसी तरह से दूसरी कंडीशन जो दी हुई थी कि अंश और हर में से 6 घटाने पर, तो हम लोग ने अंश में से भी यहाँ पे देखिए 6 घटा दिया और यहाँ हर में से 6 घटा दिया। तो जो हर प्राप्त होता है वह अंश का 12 गुना होता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने उस कंडीशन को लिख लिया कि y माइनस 6 बराबर 12 ब्रैकेट में x माइनस 6, अंश का 12 गुना है। इसको सॉल्व कर लिया तो यहाँ से हमको दूसरा समीकरण प्राप्त होता है, वह है माइनस 2x प्लस वाई बराबर माइनस 66। तो ये जो एक और समीकरण दो प्राप्त हुआ, एक और दो को सॉल्व करके हम लोग ने अंश और हर के मान को ज्ञात किया। तो ये तो हो गए बच्चों शाब्दिक प्रश्न जो कि एप्लीकेशन बेस्ड आपको समीकरण बना के करने होंगे। और इसमें एक और चीज है जो कि प्रकरण प्रसंग्रह में दिया हुआ है, तो हम लोग उसको भी देख लेते हैं थोड़ा सा कि प्रकरण प्रसंग्रह में आपको ये विकल्प वाले प्रश्न दिया हुआ है। बच्चों विकल्प के जो प्रश्न है वह जैसा टेक्स्ट बुक में है वैसा ही बोर्ड एग्जाम में आएगा, इसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा।
अगर आप इसको याद कर लोगे तो भी चलेगा, क्योंकि इसके प्रश्न को बदला नहीं जाएगा। अगर यहाँ पे जैसे पहला सवाल लिखा है 4x + 5y = 19 लिखा है, तो बोर्ड एग्जाम में भी यही लिखा रहेगा, कुछ भी हेरा फेरी, कुछ भी बदलाव नहीं रहेगा। आपके जितने भी पूरे टेक्स्ट बुक में जो भी विकल्प आधारित जो पहला क्वेश्चन है उसमें कुछ भी बदलाव नहीं रहे, जो आपके टेक्स्ट बुक में एज इट इज वो पेपर में पूछा जाएगा। तो इसमें विकल्प आधारित प्रश्न में हम लोग देख लेते हैं कि जैसे पहला सवाल आपके इसमें दिया है प्रश्न संग्रह एक में कि 4x + 5y = 19 का आलेख खींचने के लिए x = 1 हो तो y का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे बच्चों अगर आपको याद है उत्तर तो इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आपको सॉल्व करके नहीं दिखाना है, आपको सीधा सिर्फ ऑप्शन लिख करके उसका आंसर लिखना है, या जो उसका ऑप्शन करेक्ट है जैसे ए करेक्ट है तो सिर्फ ए लिख दोगे तो भी आपको फुल मार्क्स मिलता है। यहाँ पे आपसे ये उम्मीद नहीं की जाती है कि आप इसको सॉल्व करें। फिर भी हम लोग देख लेते हैं कि 4x + 5y = 19 है, एक्स का मान एक दिया है तो हम लोग ने यहाँ पे x = 1 रख दिया यहाँ पे, तो 4 + 1 = 4 + 5y = 19 और 4 + 5y = 19, 4 को जब हम बराबर के दूसरी तरफ लाएंगे पक्षांतर करेंगे तो वह माइनस हो जाएगा, तो 5y = 19 - 4, 19 में से 4 को घटा देंगे तो हमको प्राप्त होता है 15, तो 5y = 15, इसलिए y = 15/5, तो y का मान 3 आया, तो हमारा जो राइट या करेक्ट आंसर है वह कौन सा है, ऑप्शन बी, यह हमारा राइट आंसर है। आपको परीक्षा में सिर्फ ऑप्शन नंबर ही लिखना है, आप ऑप्शन नंबर के साथ अगर सही आंसर भी लिखते हैं तो भी राइट है, लेकिन सिर्फ ऑप्शन भी लिख देंगे तो भी चलेगा, और यहाँ पे यह सवाल आपको सॉल्व नहीं करना है। अगर आपको नहीं समझ में आता रफ पेज पर भी इसको सॉल्व कर सकते हैं और सही आंसर जो है वह यहाँ पे आपको लिखना है। इसमें दूसरा देखिए आपको दिया हुआ है कि x और y चरांक वाले युग्मक समीकरण के लिए यदि dx का मान 49 दिया हुआ है, dx = 49, dy = -63 दिया हुआ है यहाँ पे, और d का मान 7 हो तो x का मान कितना होगा। तो यह आपको हमेशा याद रखना है कि x का मान जब हमको dx dy का मान दिया रहे और d का दिया रहे तो x बराबर होता है dx/d, एक क्रेमर नियम में से आपको याद रखना है। आपको dx का मान दिया है, d का मान दिया है, तो 49/7 यहाँ पे इससे कट कर दिया हम लोग ने, तो x बराबर हमारा आंसर आ गया 7, तो हमारा जो राइट आंसर है वह है ए, इसको हम लोग राइट आंसर करेंगे। इसमें अगर आपको आपको अगर याद भी है बाहर भी है तो भी चलेगा, क्योंकि इसमें प्रश्न बदले नहीं जाएंगे, जैसा यहाँ पे है वैसे ही सवाल आएगा। तीसरा हम लोग ऑप्शन का प्रश्न देख रहे हैं कि निश्चयक का मान ज्ञात करना है, जिसमें सवाल दिया हुआ है कि सारणी में 5, 3, -7 और -4 यहाँ पे, तो आपको पता है कि हम लोग को निश्चयक का मान कैसे ज्ञात करते हैं, तिर्यक गुणा कर लेना है, 5 का गुणा हम लोग किसमें कर लेंगे, यहाँ पे 4 में कर लेंगे, तो 5 × -4 और -7 × 3, तो 5 × -4 तो -20 और इसमें 7 × 3 करेंगे 21, अब 2 माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, तो +21 - 20 तो हमारा आंसर आ गया 1, तो डी हमारा करेक्ट आंसर है, तो हम लोग डी को यहाँ पे इसको क्या करेंगे, टिक करेंगे या ऑप्शन आप वहां पे डी लिख देंगे। उसी तरह से यहाँ पे युक्त समीकरण दिया हुआ है +y = 3, 3x - 2y - 4, हल करने के लिए D का मान ज्ञात करना, अर्थात यहाँ पे भी आपको क्रेमर नियम से ही सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हम लोग ने लिख दिया कि पहला समीकरण जो दिया था x + y = 3 और 3x - 2y = 4, तो D का मान पूछा है तो हम लोग x और y के जो गुणांक है उसको लिखेंगे, तो यहाँ पे 1 और 1 है, x + y 1 और 1, और यहाँ पे 3 और यहाँ पे -2, 3 और -2, फिर से वही करना है आपको, तिर्यक गुणा कर करके इसका मान निकालना है, तो 1 का गुणा हम लोग -2 में कर लेंगे और -3 × 1 करेंगे, तो ये -2 और -3 दोनों जुड़ जाएंगे, 2 माइनस है तो -5, तो सी का आंसर जो हमारा आ गया वो आया -5। ये बच्चों देखो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ax + by = c तथा mx + ny = d
इस युगपत समीकरण में यदि ए एन नॉट इक्वल टू बी एम हो तो दिए गए समीकरण का ऑप्शन दिया है एक ही हल होगा, हल नहीं होगा, असंख्य हल होंगे, सिर्फ दो हल होंगे। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आप इतना ध्यान रखो कि मैं यहाँ पे आपको उदाहरण से समझा देता हूँ कि जैसे कि यहाँ पे मैंने एक सवाल दिया 7x + 2y = 3 और दूसरा सवाल दिया 7x + 3y = 4। आपको देखना है कि यह जो दिया हुआ है इसकी तुलना करनी है ax + by = c से करनी है। आप मोटा मोटे अक्षर में यह देख लेंगे कि जो x का गुणांक ऊपर है और नीचे है और y का गुणांक जो ऊपर और नीचे है अर्थात a1/a2 = b1/b2 है क्या। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि यह दिया है 7/7, पहला किया है 7/7 = 2/3 होगा क्या, नहीं। तो यह इसके बराबर नहीं हुआ तो आगे आपको नहीं ध्यान देना है। इसमें जब पहला बराबर नहीं होगा तो इस रूप में आता है कि a1/a2 = b1/b2 = c1/b2। तो इसका सिर्फ एक ही हल होता है, सिर्फ आपको ध्यान देना है कि क्या दोनों बराबर है क्या। यह 7/7 या 2/3 तो दोनों बराबर नहीं है, दोनों बराबर नहीं तो आगे आपको ध्यान नहीं देना है। तो इसको सिर्फ आपको समझ लेना है कि उसका हल क्या होगा, एक ही हल होगा। और अगर यहाँ पे तीनों बराबर होंगे, जैसे यहाँ पे मैंने एक शाब्दिक प्रश्न लिया जैसे 1/2 = 2/4 / 3/6, तो ये सब हम लोग देख रहे हैं कि 1/2 = 1/2 = 1/2 अर्थात a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 तीनों इक्वल है। जब तीनों इक्वल है तो उसके असंख्य हल होंगे। और एक और टाइप यहाँ पे है कि अगर पहला इक्वल है आपका, जैसे यहाँ पे देखिए कि 2/3 = 2/3 a बराबर है यहाँ पे लेकिन यहाँ पे यह इसके बराबर नहीं है तो इसका एक भी हल नहीं होगा। तो इसमें जो आपको सवाल दिया था, यह सवाल दिया था कि ax + by = c, mx + ny = d। तो इसका जो गुणांक था a/m = b/n नहीं होगा क्योंकि a b के बराबर नहीं है, तो एक भी बराबर नहीं है, इसलिए इसका हल जो है वह एक ही हल होगा। तो इसमें सिर्फ आपको इतना ध्यान देना है अगर समीकरण बराबर नहीं है तो उसका हल एक ही होगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा फर्स्ट, एक ही हल होगा। तो यह चैप्टर बच्चों हम लोग का पूरा होता है, कंप्लीट होता है और उम्मीद करता हूं कि इस चैप्टर को पढ़ाया भी गया है, इसका पुनरावर्तन भी हुआ है और एक बार फिर से हम लोग ने इस चैप्टर की समीक्षा कर लिया है। अगर आपको इस चैप्टर में या जो आज मैंने बताया उसमें कुछ समझ में ना आया हो तो आप लोग प्रश्न पूछ सकते हैं, अपने शंका का समाधान कर सकते हैं। पूजा पंडा। हाँ सर, स्क्रीनशॉट लेना था, एक बार आप दिखा सकते हो क्या सर क्वेश्चन? क्या क्या बेटा? स्क्रीनशॉट लेना था सर, स्क्रीनशॉट ले। आपको शाम तक बेटा ना, आपको शाम तक इसका यूट्यूब पे पूरा वीडियो मिल जाएगा और मैं पीडीएफ सर को शेयर कर दूंगा, तो आपको स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, आपको पूरा पीडीएफ मिल जाएगा। मैं इसका पीडीएफ सेंड कर दूंगा सर को, आपको ग्रुप में मिल जाएगा सर बेटा। ठीक है। अमृत जमाई सर, वो तीसरा का बताओ ना सर, तीसरा कौन सा बेटा? पहले का तीसरा सर, इस निश्चय का मान ज्ञात कीजिए। निश्चय का मान ज्ञात करना था? हाँ सर, वो तीसरे का चाहिए मुझे, पहले का तीसरा। ओके एक मिनट बेटा। पहले का तीसरा, अब इसमें आप मुझे बताओ कि पहले का तीसरा निश्चय का कौन सा बोल रहे हो बेटा? इसमें जो मैंने सवाल कराया है इसके अंदर से आवाज आ रही मेरी आपको? आ रही सर। तो इसमें कौन सा आप बोल रहे बेटा निश्चय का मान ज्ञात करने के लिए? निश्चय का तो आज मैंने नहीं पढ़ाया, निश्चय का तो कल ही हो गया था, तो कौन सा बोल रहे आप? मुझे सवाल समझ में नहीं आ रहा आपका। और कोई डाउट है किसी को? नीलम
हेलो हेलो बोलो बेटा, आपकी आवाज बराबर नहीं आ रही है, बोलिए। आवाज नहीं आ रही बेटा आपकी बराबर। सर कल हम लोग क्लास ज्वाइन नहीं किए थे तो उसको कल जो क्लास ज्वाइन नहीं किए थे। अमन हेलो सर। एक काम भाई। हाँ बेटा बोलो। गुड मॉर्निंग सर, आपने जीओ 1.5 का पढ़ा है उसमें का आपने सेकंड वाला क्वेश्चन नहीं समझा था सर, सेकंड वाला आप बता देंगे? कौन सा बोलो? 1.5 का सेकंड वाला। 1.5 का सेकंड सेकंड क्वेश्चन। हेलो, ये जो कृति आधारित प्रश्न दिया हुआ था आयत वाला। हाँ सर। आप देखो बेटा उसमें अभी इसमें तो मैंने सॉल्व नहीं किया, मैं आपको ऐसे समझा देता हूँ कि उसमें हाँ। आपको देखिए आकृति बना के दिया है कि मैं आयत हूँ, एक्स और वाई का मान ज्ञात करो, ऐसा करके दिया, और क्षेत्रफल परिमिति ज्ञात करना है। सर मैं आयत हूँ, एक्स और वाई का मान ज्ञात हाँ। और मेरा क्षेत्रफल और परिमिति ज्ञात करिए, बराबर ये दिया हुआ है। हाँ और उसमें आपको देखो मान दिया है, भुजाओं के जो मान दिया है समूह भुजाओं के, वह दिया हुआ है 2x + y + 8। हाँ सर। सामने का भुजा का दिया 4x - y, बराबर। हाँ सर। और दूसरी जो भुजा जिसकी चौड़ाई दी हुई है वो 2y और दूसरे साइड के भुजा के x + 4 दिया है। हाँ। तो बेटा इसमें क्या करना है ना, एक सिंपल सी चीज है कि आपको आयत की सम्मुख भुजाएं जो है ये सर्वांगसम होती हैं, इस गुणधर्म का उपयोग करना है और उससे दो समीकरण बनाने। कैसे? देखो जैसे पहली भुजा 2x + y = y + 8, अब उसके सामने की भुजा कौन सी है? 4x - y। तो आप लिखोगे 2x + y + 8 = 4x - y। अब इसको आपको सॉल्व कर लेना, मतलब पक्षांतर कर लेना है। तो जब आप पक्षांतर इसको सॉल्व करेंगे तो आपको -x + y = -4, यह एक समीकरण प्राप्त होगा। उसी तरह से 2y = x + 4, उसका आप सॉल्व कर लेंगे 2y = x + 4। तो जब उसको सॉल्व करेंगे तो -x + 2y = 4, यह समीकरण नंबर 2 प्राप्त होगा। पहला समीकरण क्या प्राप्त हुआ? -x + y = -4। और दूसरा समीकरण क्या प्राप्त हुआ? -x + 2y = 4। अब ये जो एक और समीकरण 2 प्राप्त हुआ है उसको आप सॉल्व कर लेंगे। तो वहां पे आप देखेंगे कि माइनस एक्स है पहले में, दूसरे में भी माइनस एक्स है, तो क्या हाँ। करेंगे? घटा देंगे, तो चिन्ह चेंज हो जाएगा, तो एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, वहां हाँ से आपको वाई का मान मिल जाएगा। वाई का मान आपको वहां पे 8 प्राप्त हो। अब उस मान को आप समीकरण एक में रख देंगे तो एक्स का मान आ जाएगा 8 × 4 = 12, एक्स का मान 12। अब एक्स वाई का मान आपको प्रॉब्लम हो गया, तो उसकी लंबाई और चौड़ाई निकाल लेंगे, और फिर आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, और आयत की परिमिति होती है 2 लंबाई / 2 चौड़ाई, उसका मान रख करके आप इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। ओके सर, थैंक यू सर। वेलकम बेटा। ठीक है विजय सर। हेलो विजय सर। 50 को अभी 9:50 को नेक्स्ट क्लास है ना? Hello, can you hear me? Can you just go? Just a image and can you hear me? अगर तू अनमेट मोड करना है तेरा म्यूट ही रहेगा। हेलो इस बुक में लिख जा, बुक में लिखा भी सर ने बताया, बुक में लिख। हेलो राहुल दुबे सर। हेलो। हाँ सर आवाज आ रही है? हाँ हाँ सर।